राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 65वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में प्रसारित होगा। 65वें गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 25,000 से अधिक दिल्ली पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों को किया गया तैनात। दिल्ली पुलिस राजपथ और परेड के रास्तों के 125 से अधिक इमारतों को सुरक्षा के मद्देनजर सील करेगी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सुबह के समय राजपथ की ओर आने वाली सड़कों को यातायात के लिए किया बंद। लोगों को इन रास्तों पर न आने की दी सलाह। गणतंत्र दिवस की परेड कल सुबह 9:50 विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म होगी। गणतंत्र दिवस के परेड के तहत कल कुछ समय के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की सभी पार्किंग आज दोपहर 2 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल लोकपाल बिल को फरवरी में रामलीला मैदान में एक विशेष सत्र के दौरान पारित कर दिया जाएगा। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल को राजस्थान, जबकि डॉक्टर सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा को बिहार से, प्रभा झा को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का किया गया फैसला। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने राज्यसभा से कार्यकाल खत्म कर रहे 3 लोगों की जगह नए चेहरों को नामांकित किया। समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, प्रमुख हिंदी दैनिक प्रभात खबर के संपादक हरिवंश और कहकशा प्रवीण को नए उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। कांग्रेस के राज्यसभा नामांकन पर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज निर्णय कर सकते हैं। पार्टी उपाध्यक्ष ने इस मुद्दे पर निर्णय करने के लिए पार्टी के महासचिवों की बैठक बुलाई है। आज 4th राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में कोशिश रहती है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग ने इसके लिए कई अभियान चलाए हैं। 59वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म भाग मिल्खा भाग की रही धूम। भाग मिल्खा भाग ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर समेत 6 अवार्ड अपनी झोली में डाले। दीपिका पादुकोण को फिल्म रामलीला के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के तहत सीरिया के युद्धरत पक्षों ने कल आमने सामने की मुलाकात पर सहमति जताई। इससे पहले सरकार के पक्ष ने शांति वार्ता छोड़ने की धमकी दी थी। संयुक्त राष्ट्र अरब लीग के दूत नकदत इब्राहिमी ने कहा कि दोनों पक्षों ने मुलाकात पर सहमति जताई।